नमस्कार, मैं हूं ज्योति जोशी। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लोग अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज कब लेना है। इसके अलावा 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना वायरस का टीका लगवा सकेंगे। अब तक 45 के ऊपर वाले सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। फिलहाल भारत में 2 कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड के मामले में 2 डोज के बीच के गैप को 4 से 6 हफ्ते से 4 से 8 हफ्ते तक बढ़ाया गया है। पहले डोज के 4 से 8 हफ्तों के बाद अगर दूसरा डोज लिया जाता है तो कोरोना वायरस से और बेहतर सुरक्षा मिलेगी। हालांकि ये सलाह दी जाती है कि दूसरा डोज लेने में 8 हफ्तों से ज्यादा की देरी ना करें, क्योंकि इससे लाभार्थी फिर जोखिम में आ सकते हैं। वहीं कोवैक्सीन के मामले में पहले डोज के बाद आप 4 से 6 हफ्तों के बाद दूसरा डोज ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि दूसरे डोज के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है। नए लाभार्थी कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैक्सीन को लेकर उनके स्लॉट 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। पहले वैक्सीन लगवा चुके और नए लाभार्थी भी चुनाव कर सकेंगे कि उन्हें दूसरा डोज कब लेना है। वो लोग जिन्हें अपने आप ही दूसरे डोज की तारीख मिल गई थी, वो www.covin.gov.in पर जाकर अपनी सुविधा के हिसाब से दूसरे डोज का टाइम और डेट तय कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वैक्सीन लगने के बाद आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर लें। ये सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी के रूप में हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण और सर्टिफिकेट मुफ्त है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो टीकाकरण की कीमत 250 रुपये है और इसमें सर्टिफिकेट की कीमत शामिल है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है तो 1075 पर आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बता दें, 1 अप्रैल से वैक्सीन का नया चरण शुरू होने वाला है, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। इस दौरान कट ऑफ डेट जो तय की गई है वो है 1 जनवरी 1977। अगर आपकी जन्मतिथि इस तारीख से पहले की है तो आप टीका लगवा सकते हैं। सरकार ने ये भी साफ किया है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वैक्सीन के स्टॉक की मार्केट में कोई कमी नहीं है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष।